यहाँ पे कई डिजाइनर को प्रॉब्लम आ रहा था कि सेटअप कैसे करें, जो हमारा वेबसाइट का हम यूआई यूएक्स कर रहे हैं उसका सेटअप कहाँ से स्टार्ट करना है। तो ओके, तो हम आज ये सीखेंगे। पहले स्टार्टिंग में डायरेक्ट क्रिएट न्यू कर दो। ओके, न्यू फाइल पे, न्यू डिजाइन पे चले जाओ। ओके, यहाँ पे नहीं हो रहा है तो कंट्रोल एन कर दो, यहाँ से हो जाएगा। ओके, ये हमारा प्रोजेक्ट क्रिएट हो रहा है। ओके, फिग्मा में यहाँ पे पूरा प्रोजेक्ट आ गया है। यहाँ पे लेफ्ट साइड देख रहे हो आप, पेजेस दिख रहे हैं और यहाँ पे कुछ भी नहीं है। ओके, पहले यहाँ पे तीन पेज बना दो। ओके, पहला पेज रहेगा थंबनेल का। ओके, उसके बाद रहेगा आपका डिजाइन का। ओके, उसके बाद आपका रहेगा एक्स्ट्रा का। ओके, अच्छी तरह से देखने के लिए आप उसमें इमेज भी ऐड कर सकते हैं। थंबनेल में पिक्चर का इमेज ऐड कर दो। ओके, डिजाइन में आप ब्रश का इमेज ऐड कर सकते हो, पेंट लिख दो तो भी चलेगा। ओके, कलर प्लेट ऐड कर दो और एक्स्ट्रा पे कुछ भी आपको अच्छा लगे। मैं यहाँ पे सीजर ऐड कर देता हूँ, कुछ भी ऐड कर सकते हो। यहाँ पे मैंने ये ऐड कर दिया। ओके, और पहले ओके, सबसे पहले थंबनेल आएगा। यहाँ पे थंबनेल क्यों यूज हो रहा है कि आपको आइडेंटिफाई करने के लिए कि भाई कौन सा प्रोजेक्ट कहाँ पे होगा, तो उसको आइडेंटिफाई करने के लिए थंबनेल रखना बहुत ही जरूरी है। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे मैं होम स्क्रीन पे जा रहा हूँ तो आप देख सकते हैं मेरे सब प्रोजेक्ट्स में यहाँ पे मैंने थंबनेल क्रिएट किया गया है। तो उसी तरह आप आइडेंटिफाई इजिली कर सकते हैं उस प्रोजेक्ट को। ओके, तो अभी हम थंबनेल बनाएंगे। थंबनेल बनाने के लिए कुछ भी नहीं जाना है। यहाँ पे आप एफ पे क्लिक करोगे ना तो राइट साइड पे फिग्मा कम्युनिटी में प्रोफाइल बैनर नहीं, फाइल कवर पे क्लिक करना है। ओके, फाइल कवर पे आप क्लिक करोगे ना तो ऑटोमेटिकली आपका थंबनेल का जो साइज है वो क्रिएट हो जाएगा। ओके, अभी क्या करना है, उसके साइज का एक रेक्टेंगल लेना है। ओके, यहाँ पे थंबनेल जो लिखा है हमने, यहाँ पे थंबनेल कॉपी कर देना है। ओके, यहाँ पे हमारे पास लोगो है तो लोगो यहाँ पे हम यहाँ से क्लिक कर देंगे। ओके, इसका कलर डार्क कर दो जो भी है वो। ओके, वन ए यहाँ पे हम रख देते हैं, थोड़ा लाइट हो रहा है, 5-5 रख देते हैं। ओके, और यहाँ से हम पूरा लोगो उठा देंगे और यहाँ पे रख देते हैं। ओके, ये हो गया। और थंबनेल पे क्लिक, थंबनेल की जो फ्रेम है वहां पर क्लिक करके राइट साइड पे सेट एज अ थंबनेल, ओके, ये सिलेक्ट करना। सेट एज अ थंबनेल करोगे ना तो आप देखोगे थंबनेल हमारे जो फ्रेम नेम है उसके बाजू में थंबनेल का ऑप्शन आ जाएगा। ओके, इससे आपको आसानी होगी कि आप अपना जो प्रोजेक्ट है वो आसानी से आइडेंटिफाई कर सके। ओके, अभी हम ये थंबनेल का काम खत्म होता है यहाँ पे। अब थंबनेल में आना ही नहीं है, अभी डिजाइन पे जाना है। डिजाइन पे आप हमारे, अभी हमारा जो प्रोजेक्ट है वो वेबसाइट का है। वेबसाइट का डिजाइन क्रिएट करने में मैं सजेस्ट कर रहा हूँ कि बाय डिफॉल्ट फ्रेम जो है वो हमारी 1920 है। ओके, और 1080 का जो हमारा हीरो सेक्शन है वही रखो। ओके, यहाँ पे जो फ्रेम नेम है उसका प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट नेम है ना वही रखो। फॉर एग्जांपल अभी ले लेते हैं हम प्रोजेक्ट एक्स। ओके, आपका जो आप होम पेज बना रहे तो होम पेज, लैंडिंग पेज बना रहे तो लैंडिंग पेज। अभी मैं होम पेज रख देता हूँ। ओके, ये हो गया। ओके, अभी प्रोजेक्ट एक्स जो है यहाँ पे हमने फिग्मा में एड नहीं किया। फिग्मा जो आपका फिग्मा फाइल है उसका नाम नहीं दिया, तो उसका नाम भी जो प्रोजेक्ट का नाम है वो रख दो। ओके, वेबसाइट है तो यहाँ पे वेब आना चाहिए, एप्लीकेशन है तो यहाँ पे ऐप आना चाहिए। ओके, हो गया ये। ओके, अभी हमको कंटेनर फिक्स करना है। तो कंटेनर फिक्स करने के लिए हमारा जो रेक्टेंगल है ना वो 1440 का लेना है ऑलवेज। ओके, यहाँ पे भी था 1440 कर देते हैं। ये जो है हमारा, ये हमारा कंटेनर है। कंटेनर को सेट करने के लिए हमारी जो रूलर है वो ये रख दो यहाँ से। ओके, ये यहाँ से डिलीट कर दो। हो गया, ये हमारा कंटेनर है। ओके, ये हमारा कंटेनर फील्ड है और यहाँ पे जो आएगा ये हमारा पूरा डिजाइन है। यहाँ पे हम आपको बॉर्डर रेडियस दिखाना है तो यहाँ पे 50 रख सकते हो तो ज्यादा वो अच्छा लगेगा। ओके, अभी हमारा जो कलर प्लेट है, ओके, कलर प्लेट को क्रिएट कर दो। कलर प्लेट क्रिएट करने के लिए 140 को ऐड कर दो और यहाँ पे 40 ऐड कर दो। ओके, ये हो गया। ओके, अभी कुछ नहीं करना है, यहाँ पे इसका गैप 40 कर दो। अभी यहाँ पे ये जो है ना, यहाँ पे तीन बॉक्स रेडी कर दो जैसे मैंने किया है। ओके, यहाँ पे आपका कलर्स आएगा तीनों में।
ओके, प्राइमरी सेकेंडरी और एसेंट कलर, और यहाँ पे आपका जो आप जो डिजाइन बना रहे वो होगा। ओके, इसी तरह हमको वेबसाइट का जो सेटअप है वो डिटेक्ट करना है। ओके।